टेक का ब्लूटूथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं इंट्रो ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन का एक इंट्रो आपको दिया जाएगा इस लेक्चर में, इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक टर्म जानना जरूरी है जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। क्या कहते हैं? जीवन अवधि। लाइफ स्पैन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक की जो अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन, यानी कि उसके जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक कि उसकी जो जीवन अवधि होती है, कि जो आप उस जीवन अवधि कह लीजिए, चाहे जीवन की अवस्था कह लीजिए, जो भी कहिए, उस अवधि को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन या जीवन अवधि। बर्थ हम लिख सकते हैं बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ तक की जो ये अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। ओके, तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये यहां से शुरू होकर के आपके नेचुरल डेथ तक जाता है, इसको हम लोग कह दिए लाइफ स्पैन, जीवन अवधि, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि जन्म होता है और नेचुरल मृत्यु भी होती है। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होती है, यानी कि नो वन ऑर्गेनिज्म हैव इमोर्टल हैज इमोर्टल, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होती है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो जन्म से लेकर के वो अपने मृत्यु तक की जीवन की जो अवधि को वो जीता है उसको हम लोग कहते हैं उसका लाइफ स्पैन। हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो होता है वो अलग अलग होता है, और ये लाइफ स्पैन, हम आपको सबसे इंपॉर्टेंटली बात बता दें कि ये लाइफ स्पैन उसके आकार, शेप, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। दो सिमिलर शेप एंड साइज के ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको जो बताया कि उसके आकार, उसके शरीर के आकार, बनावट, साइज पे कोई डिपेंडेंस नहीं, शेप एंड साइज पे कोई डिपेंडेंस नहीं होता है लाइफ स्पैन का। हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें, तोता और कौवा, दोनों का आप लोग देखे हैं, दोनों का शेप जो होता है और साइज जो होता है लगभग लगभग सिमिलर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब इनके लाइफ स्पैन को आप देखिएगा तो कौवे की औसत आयु, औसत में हम लोग लेकर के चलते हैं, किसी का फिक्स नहीं होता देखा जाता, लेकिन औसत माना जाता है, तोता का जो औसत आयु होता है 140 वर्ष होता है, 140 इयर्स पैरोट। ओके, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं पैरोट। ओके, कौ यानी क्राउ, क्राउ का जो औसत लाइफ स्पैन होता है, उसकी जीवन अवधि जो होती है वो लगभग 15 इयर्स होती है, इससे ज्यादा उसका नहीं होता है औसत आयु। तो आपने देखा कि दोनों का शेप एंड साइज लगभग सिमिलर होने के बाद भी इनके लाइफ में, इनके लाइफ स्पैन में कितना का डिफरेंस है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसी के एग्जांपल में आपको, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री जिसको हम लोग कहते हैं बरगद का पेड़, आप लोगों ने देखा होगा बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ का जो औसत आयु होता है वो लगभग 250 से 300 वर्ष होता है, लेकिन वही आम का पेड़, मैंगो ट्री, आम का पेड़, इसका औसत आयु जो होता है ये 25 से 30 वर्ष होता है। कोई भी आम का जो पेड़ है पांचवें से छठे वर्ष के बाद उसमें फल लगना शुरू हो जाता है, और 25 से 30 वर्ष के बाद उसका एडोलिसेंस, जो उसका गिरावट है उसके एज का, वो शुरू हो जाता है और वो उसका डेथ हो जाता है।
ये जो आप देश हमने आपको इसलिए बताया, ये बताने का जो मेरा डाटा बताने का ये मतलब था कि जो उसका लाइफ स्पैन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो जो होता है वो उसके शेप एंड साइज पे डिपेंडेंस नहीं होता, डिपेंड नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आपको जो बताई है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है पृथ्वी पे जिसकी मृत्यु नहीं होती है, एक्सेप्ट अपवाद के तौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप कहिएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव मोर्टल नहीं होते, इमोर्टल नहीं होते हैं, वो हमेशा आप कह सकते हैं एक तरह से कि अमर होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि उनका नेचुरल डेथ नहीं होता, इसीलिए उन्हें इमोर्टल के केस में रखा जाता है, मोर्टल के केस में नहीं रखा जाता। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, आप कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव मरते नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको अब बता दें कि आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रत्येक जीव अगर जन्म लेता है तो उसकी उसकी मृत्यु यहां पे सुनिश्चित बताई जा रही है कि जन्म ले रहा है तो उसका मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पे ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल आप ले लें तो पृथ्वी पे ह्यूमंस 10,000 वर्ष पहले से आ रहा है, इसका लाइफ चल रहा है। और प्रत्येक ह्यूमंस का जो औसत एज, जीवन का जो औसत एज होता है वो 80 से 100 वर्ष के आसपास होता है। अब तो कम हो गया है, अब पॉल्यूशन वगैरह के कारण, कई कारणों के वजह से इसका जो लाइफ स्पैन है, औसत लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन, वो कम हो गया है। अब 100 वर्ष रेयर केस में देखा जाता है। तो बात आती है कि प्रत्येक ह्यूमन जो है उसका औसत एज 80 से 90 वर्ष या 70 से 80 आप कह सकते हैं होता है। फिर भी 10,000 वर्ष से लगातार पृथ्वी पर ह्यूमंस काफी संख्या में मौजूद है। आखिर ये निरंतरता कैसे बनी रहती है जबकि उसका नेचुरल डेथ सुनिश्चित है? यानी कि मतलब है कि ऐसा कोई एक प्रोसेस है जो इस निरंतरता को बनाए रखता है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के एग्जिस्टेंस को, उसकी जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो उस निरंतरता को बनाए रखता है। बात आती है वो कौन सा प्रोसेस है, तो उसी प्रोसेस को जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन एक आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, प्रजनन क्यों जरूरी है? तो हमने आपको दिया अभी आंसर, जैसे हमने आपको बताया, आपको आंसर मिल चुका होगा कि पृथ्वी पर जीवन की, किसी भी जीव पृथ्वी पर जीवन की, जीवों के जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। अगर प्रजनन नहीं होता तो एक जीव आता, वो चाहे जैसे कि पहला लाइफ एग्जिस्ट हुआ पृथ्वी पर और उसके बाद कोई लाइफ नहीं आता, वो अपनी लाइफ स्पैन के बाद उसका डेथ हो जाता और उसके बाद कोई ऐसा जीव नहीं बचता कि फिर से वो आगे जीवन की निरंतरता को बनाए रखे। यानी कि रिप्रोडक्शन उत्तरदायी है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। ओके, अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन किस तरह का प्रोसेस है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि रिप्रोडक्शन एक जीव विज्ञानी, प्रकरण है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक जीव विज्ञानी प्रकरण है जिसमें कोई जीव युग्मक निर्माण या उसकी अनुपस्थिति में भी, यहां पे हम लिख देते हैं, प्रजनन एक, प्रजनन एक जीव विज्ञानी
प्रकरण है जिसमें कोई जीव, जिसमें कोई जीव युग्मक निर्माण या उसकी अनुपस्थिति में भी या उसकी अनुपस्थिति में भी एक नई संतति को उत्पन्न कर अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है। तो अब आप जान गए कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन किस तरह का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है। तीन चीजें आप जान गए, रिप्रोडक्शन पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन एक जीव विज्ञानी यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और अब इंग्लिश में इसको हम आपको डिफाइन कर दें कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस अ सिमिलर ऑर्गेनिज्म बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि एक जीव प्रजनन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव युग्मक निर्माण या उसकी अनुपस्थिति में भी अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है। ओके, अब बात आती है कि ये हमने जो कहा कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये युग्मक निर्माण करता है और या बिना युग्मक के निर्माण के भी नई संतति को उत्पन्न करता है। दो चीजें हमने आपको बताई कि वो युग्मक निर्माण के द्वारा या बिना युग्मक निर्माण के भी नई संतति को उत्पन्न करता है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये युग्मक क्या होता है, बिना युग्मक के निर्माण के कैसे नई संतति बन जाती है और युग्मक निर्माण के द्वारा कैसे नई संतति का विकास होता है। तो यहां पे उससे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये जो प्रजनन होता है वो कितने तरह का होता है। तो प्रजनन को यानी कि रिप्रोडक्शन को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन और इसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। ओके, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि यहां पे गैमेट फॉर्मेशन जरूरी होता है, यहां पे गैमेट फॉर्मेशन इसेंशियल होता है और यहां पे गैमेट फॉर्मेशन नॉन इसेंशियल होता है। नॉन इसेंशियल कहने का मतलब है, यहां पे गैमेट फॉर्मेशन इसेंशियल कहने का मतलब है कि बिना गैमेट यानी कि युग्मक, बिना गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण के बिना लैंगिक जनन संभव नहीं है। लेकिन यहां पे हमने कहा कि नॉन इसेंशियल होता है, हमने ये नहीं कहा कि एब्सेंट होता है। युग्मक निर्माण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का अलैंगिक प्रजनन जीव में हो रहा है ना। तो यहां पे गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कि अलैंगिक जनन आइदर गैमेट फॉर्मेशन और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन संपन्न हो सकता है। ठीक है, यहां पे लैंगिक जनन में हमेशा दो जीवों की भागीदारी होती है, दो अलग अलग सेक्स के ऑर्गेनिज्म लिंग के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, लेकिन इसमें कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म एबल होता है नई संतति को उत्पन्न करने के लिए, यानी कि उसमें क्षमता होती है कि वो नई संतति को उत्पन्न करते। ठीक है, अब इस एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ये जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है
सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिस कई सारे ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा अभी कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग बाकी जो डिटेल चर्चा है वो हम लोग आगे करेंगे। यहां पे हम लोग आपको बता दें ए सेक्सुअल को हम लोग थोड़ा सा लेके आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह का होता है, ये डिपेंड करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो टूट रहा है, टूट करके दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में विभाजित हो जाता है और वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीजन यानी कि टूट जाना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि फीजन एक तरह का अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दो भाग या दो से अधिक भाग में टूट करके नई संतति का विकास करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अगले वीडियो ट्यूज में हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, यहां पे सिर्फ हम समझा रहे हैं अमीबा। ये अमीबा क्या होता है कि धीरे धीरे दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है, और ये दो पार्ट्स जो होते हैं ये न्यू प्रोजेनी होते हैं, यानी कि नई संगति होते हैं, और ये इसका पेरेंट है, ये पेरेंट सेल है, यूनिसेलुलर है। क्या है? तो अब उस क्वेश्चन का जवाब आपको यहां पे मिलने वाला है जिसमें हमने ये कहा था कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो इमोर्टल होते हैं, यानी कि उनका प्राकृतिक उनका डेथ नहीं होता है ना। अब यहां पे बात आती है सामने कि यहां पे ये जो पेरेंट सेल है, ये जो अमीबा है, अभिभावक कोशिका है, ये इसका डेथ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये टूट करके दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना रहा है, दो अलग अलग संतति बना रहा है, प्रोजेनी सेल्स बना रहा है, प्रोजेनी अमीबा बना रहा है। तो डेथ नहीं हुआ इसका, यह क्या कर लिया, अपने आप को दो अलग अलग प्रोजेनी में बांट लिया, दो ये टूट करके दो अलग अलग प्रोजेनी को, इसका डेथ इसको कब कहते, जब ये यहीं पे समाप्त हो जाता है, इससे इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, तब इसका डेथ कहा जाता। लेकिन यहां पे इस सेल का डेथ नहीं हो रहा है, इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो रही है, यहां पे ये नया प्रोजेनी बन रहा है। तो पहला जो प्रोसेस हुआ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है फीजन। फीजन भी दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फीजन और दूसरा होता है मल्टीपुल फीजन। बाइनरी मतलब द्विविखंडन, बाइनरी फीजन यानी कि द्विविखंडन, और दूसरा होता है बहुविखंडन। तो बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि यहां पे दो नई संतति बन रही है। तो अगर इस तरह का होता है तो वो कहलाता है बाइनरी फीजन, जो अमीबा में होता है, पैरामीशियम में भी देखा जाता है। मल्टीपुल फीजन देखा जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, प्लाज्मोडियम वगैरह में। प्लाज्मोडियम क्या करता है कि एक कोशिका में वो बहुत सारे सेल्स पहले बना लेता है, नया सेल्स बना लेता है, फिर इस सेल वॉल को वो ब्रेक करता है और ये सारे सेल्स जो होते हैं एक साथ नई संतति के रूप में बाहर आ जाते हैं, यानी कि एक साथ वो मल्टीपुल कोशिकाओं को जन्म देता है। क्या करता है? मल्टीपल कोशिकाओं को जन्म देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फीजन, हिंदी में हम कहते हैं बहु विखंड। और ये चूंकि इसमें दो ही बन रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फीजन द्वि विखंड। ठीक, तो ये पहला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। दूसरी की चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहां पे। पहला हो गया हमारा यहां पे फीजन, जिसकी हमने चर्चा कर ली, एक हो गया आपका बाइनरी और दूसरा हो गया मल्टीपुल। यहां पे अब बात आती है दूसरा प्रोजेनी।
बॉडी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्या कह लेते हैं? बॉडी मुकुल, बॉडी मुकुलन। बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है वो बर्ड होता है। क्या होता है? वो बर्ड होता है, बर्ड होता है। क्या होता है? बर्ड होता है। तो ये अगर बर्ड के द्वारा यानी कि कली के द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म में नई संतति का विकास हो रहा है, नई संतति जन का जन्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बर्डिंग। ये देखा जाता है आपको हाइड्रा में। हाइड्रा एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसमें पहले एक छोटा बर्ड बनता है, ये बर्ड धीरे धीरे परिपक्व होता है, बड़ा होता जाता है, और एक ऐसा समय आता है जब ये बर्ड अपने अभिभावक से अलग होकर के एक नई संतति के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बर्डिंग या मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। तो इस जो ये यूनिट है इसी को हम लोग कहते हैं बर्ड या मुकुल कहिए या कली कहिए। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा। और एक और एग्जाम्पल यहां पे होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट में एक खास बात होती है क्या कि ये जो हाइड्रा होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे एक एग्जाम्पल, यहां पे ये एक एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कई मेडिकल एग्जाम हुआ, नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। विच वन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट सो बॉडी एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि उस एसेक्सुअल ऑर्गे सॉरी एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए जिसमें बॉडी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर। तो वो होता है आपका ईस्ट। ईस्ट ही ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसमें बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, बाकी एक कोशिकीय जीवों में बडिंग नहीं देखा जाता जबकि फिजन देखा जाता है। तो यहां पे हाइड्रा और ईस्ट जो है बडिंग का एग्जाम्पल है, यानी कि जिसमें मुकुलन द्वारा नई प्रोजेनी यानी नई संतति का निर्माण। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आपने समझ लिया। तीसरा प्रोसेस यहां पे हम आपको बता दें, इसको हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। हिंदी में इसको हम लोग सॉरी इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है वो एक स्पोर होता है, यानी कि इसमें जीव क्या करते हैं कि ये एक लंबा सा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें वो बनाते हैं बीजाणु धानी। क्या बनाते हैं? बीजाणु धानी। और इस बीजाणु धानी में वो बहुत छोटे छोटे स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और जब ये बीजाणु धानी फटती है तो ये सारे स्पोर बाहर आते हैं और बाहर आकर एक नई संतति के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो यहां पे नई संतति का विकास किसके द्वारा हो रहा है? स्पोर के द्वारा हो रहा है, बीजाणु के द्वारा हो रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। इस छोटे यूनिट को हम लोग कहते हैं बीजाणु या स्पोर। क्या कहते हैं? तो चूंकि यहां पे बीजाणु के द्वारा या स्पोर के द्वारा नई ऑर्गेनिज्म का विकास हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन। ओके, अगला प्रोसेस आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी एक तरह से विखंडन प्रकार का ही होता है, लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि फ्रेगमेंटेशन लगता है कि वो फीचर की तरह है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि फीचर में इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी होती है कि वो दो बनाएगा, दो बराबर भाग में टूट जाएगा, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में इक्वालिटी नहीं होती, वो दो अलग अलग भाग में टूटेगा। तो
ये अनइक्वल डिवीजन होता है जबकि ये इक्वल डिवीजन होता है। ओके तो यहां पे फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल होता है आपका एस्पाइरो गाइरा और हाइड्रा भी। तो हाइड्रा आपने देखा कि हाइड्रा में हम एग्जांपल आपको डाले थे मुकुलन में भी, यानी कि हाइड्रा में मुकुलन भी होता है और फ्रेगमेंटेशन भी होता है। ओके अगला एग्जांपल हम आपको बता दें वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इंग्लिश हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो देखा जाता है बेसिकली प्लांट्स में, और इसको कायिक प्रवर्धन इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स के किसी खास भाग के द्वारा नई संतति का विकास होता है और उसका खास भाग को हम लोग कहते हैं प्रोपाग्यूल, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्ध। तो चूंकि कायिक प्रवर्ध के द्वारा एक नई संतति का विकास होता है इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये कायिक प्रवर्ध किसी भी प्लांट में रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है और लीफ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लीफ किसमें होता है, ब्रायोफिलम, इसका मोस्ट एग्जाम्पल है। स्टेम पोटैटो, रोज, इसमें आ जाता है आपका स्वीट पोटैटो, सीसम, डलबर्जिया सीसो जिसको आप लोग कहते हैं साइंटिफिक। तो ये कायिक प्रवर्ध के रूप में हो सकते हैं, वो रूट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन का आई थिंक ये जो बेसिक्स है आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग अगले वीडियो ट्यूटोरियल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक अलग वीडियो ट्यूटोरियल में आपको डिटेल में बताएंगे, इसी स्टेप्स को लेकिन और डिटेल में डिटेलिंग करके बताया जाएगा, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसके अलग अलग व्यू है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है, उसके कितने सारे स्टेप्स होते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं इन आप कह सकते हैं कि जीव मंडल के रूप में। ओके तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को सबसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम अपना अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सके।